नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, 30 योजनाओं का कर सकते हैं लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे, G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिमुलेटर के जरिए तेजस में भरी उड़ान, अनुभव को बताया अद्भुत। त्रिपुरा में टीएमसी नेता सुष्मिता देव की गाड़ी पर हमला, बीजेपी पर लगा हमले का आरोप। हांगकांग में एक नए संक्रमण ने दी दस्तक, 7 लोगों की गई जान, अलर्ट जारी। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में गोलीबारी, 7 लोगों की गई जान। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार, निगरानी सूची में तुर्की का भी नाम। पीएम मोदी बोले, इंजन इकोनॉमी दिखा रही है तेज रिकवरी, त्योहारों का मौसम देगा और गति। क्रिकेट की दुनिया में रणबीर और दीपिका की हो सकती है एंट्री, जल्द खरीद सकते हैं अपनी IPL टीम। NCB की पूछताछ में अनन्या पांडे ने ड्रग्स लेने से किया इनकार, आज दूसरे दिन चल रहे हैं सवाल जवाब। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहेंगे खबरें।